उत्तराखंड में सोलर प्लांट लगाओ और बिजली पाओ। जी हां, रूफ टॉप सोलर स्कीम फेज टू की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस योजना का शुभारंभ किया है। 10 किलोवाट तक के प्लांट पर सब्सिडी भी दी जाएगी। 20 से 40 फीसदी की सब्सिडी जो है वो 10 किलोवाट के प्लांट पर मिलेगी। देवभूमि में सौर ऊर्जा को और भी इससे बढ़ावा मिलेगा। 23 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ये योजना जो है वो काम करेगी। सोलर प्लांट लगाने पर सब्सिडी जो है उसका फायदा मिलेगा। तो सोलर प्लांट लगाने से उत्तराखंड में आप बिजली की बचत कर पाएंगे, क्योंकि सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी और ये सब्सिडी 20 से 40 फीसदी तक मिलेगी। रूफटॉप सोलर स्कीम फेज टू की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस योजना का शुभारंभ किया है। 10 किलोवाट तक के प्लांट पर सब्सिडी जो है वो दी जानी है। हमारे सहयोगी अजीत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, एक अच्छे योजना की शुरुआत हुई है और कह सकते हैं कि डायरेक्ट फायदा लोगों को भी इससे होगा। बिल्कुल श्वेता, की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और सीधे तौर पर आम जनता को लाभान्वित करती हुई योजना है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने योजना का शुभारंभ कर दिया है और आज से कोई भी लाभार्थी एप्लीकेशन देने के साथ ही पहले आओ पहले पाओ के आधार पर योजना को अपने पास ले सकता है। और सीधे तौर पर देखा जाए तो बड़ी योजना है और हर घर बिजली का एक जो सपना देखा जाता है वो इस योजना के माध्यम से और ज्यादा फायदा देता हुआ नजर आएगा। सीधे तौर पर कोई भी व्यक्ति अगर योजना के लिए अप्लाई करता है, अपनी छत पर रूफटॉप सोलर प्लांट को लगवाता है, तो आने वाले भविष्य में वो खुद को तो फायदा उठाएगा ही, साथ में बिजली के बिल में उसको माफी मिलेगी और वो बिजली को बेच भी सकता है। ये बड़ी योजना है उत्तराखंड के लिहाज से, ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है। और अब मुख्यमंत्री रावत ने जो नई योजना का शुभारंभ किया है तो सीधे तौर पर आम जनता को फायदा पहुंचाती हुई नजर आएगी। जी, इस योजना के आफ्टर इफेक्ट्स काफी अच्छे देखने को मिल सकते हैं अजीत, लेकिन अभी फिलहाल अगर बात करें, क्योंकि योजना का शुभारंभ हुआ है, ऐसे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की भी जरूरत है कि लोग ज्यादा से ज्यादा आवेदन करें और जो ये फेज टू की शुरुआत हुई है उसके लिए आवेदन आए। इसके लिए क्या क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि सरकार की आप बता रहे हैं ये महत्वाकांक्षी योजना है। बिल्कुल श्वेता, जिस तरह से अगर फेज वन पर नजर डालें तो सरकार ने सोलर पैनल को लेकर बड़ी महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया था। उसमें बड़े स्तर पर सोलर पैनल लगाए गए थे। वो 200 मेगावाट तक की योजनाएं थी जो सीधे तौर पर आप बेचने के लिए ही पैनल कर सकते थे, लेकिन अब जो फेज टू में योजना का शुभारंभ किया गया है सीधे तौर पर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए किया गया है कि कोई भी 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक के पैनल अपने घर की छत पर लगा सकता है और साथ ही कमाई का जरिया भी बना सकता है। सरकार की पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा योजना का लाभ लोग उठा सके, इसके लिए उसको जागरूकता की जा रही है। जगह जगह जो भी बिजली दफ्तर है, SDO ऑफिसेस है, वहां पर बैनर पोस्टर होर्डिंग के माध्यम से लोगों के बीच एक मैसेज भेजा जा रहा है कि आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इस योजना का लाभ लेकर आप कमाई का एक जरिया बना सकते हैं। और सीधे तौर पर सरकार ने जो सब्सिडी का एक ऑफर इसमें दिया है कि आप 5 मेगावाट, 10 मेगावाट या 1 मेगावाट का भी अगर आप कोई पैनल रूफटॉप पैनल लेने की कोशिश करते हैं तो आपको सब्सिडी 100% मिलेगी। उसमें सीधे तौर पर 20 से लेकर 40% तक की सब्सिडी आपको मिलेगी। तो कहीं ना कहीं बड़ी योजना है और अगर इसमें वाकई में अच्छी योजना कह सकते हैं कि अच्छी योजना की शुरुआत हुई है। अजीत, देखने वाली बात होगी कि लोगों का रिस्पांस कैसा मिलता है और जिस तरह से फेज वन हिट हुआ था वही फेज टू जो योजना की अब शुरुआत हुई है ये भी हिट हो, लोग इसको लेकर जागरूक हो, ये उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।